मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल और बेघर हो गए हैं। दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया में भूकंप ने मानो तबाही मचा दी है। सोमवार को 7.8 की तीव्रता से तुर्की में आए भूकंप और उसके बाद भयावह मंजर दिखाते हुए वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, जो भूकंप की वजह से इमारतें जमींदोज हो रही हैं। अंकारा, गाजियाटेप, डियारबकीर, माल्टा, नूरदगी समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई है। यहां 1000 से भी ज़्यादा बिल्डिंगें गिरने की खबर है। कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था और सीरिया बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा तबाही हुई है। इसका असर भी दिखा। दमिश्क, एलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में जहां इमारतें गिरने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में अब तक 1121 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5385 लोग घायल हुए हैं। वहीं सीरिया में 783 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दोनों देशों में मरने वालों की कुल संख्या 1900 से भी ज़्यादा हो गई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे। लेबनान और इसराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन यहाँ नुकसान की खबर नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में 3 बड़े झटके आए। पहला झटका तुर्की में सुबह करीब 4 बजे आया, जो 7.8 की तीव्रता से था, और दूसरा करीब 10 बजे 7.6 की तीव्रता से, और तीसरा दोपहर 3 बजे 6.0 की तीव्रता से आया। इसके अलावा 78 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 4 से 5 मापी गई है। मगर वहीं तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही का मंजर और हजारों लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में भारत की तरफ से भी भूकंप पीड़ितों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मदद का ऐलान किया है।